हेलो गाइस गाइस, आज की इस एपिसोड में हम फ्यूचर टेंस के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर टेंस का ब्रांच है एक सिंपल फ्यूचर, जहां पर भी हमें शैल विल प्लस वी वन दिखाई दे तो हमें वहां पर समझना होगा सिंपल फ्यूचर का एग्जिस्टेंस है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आई विल वर्क माई आई विल वर्क माई जॉब आई विल वर्क माई जॉब यहाँ पर आप देख सकते हैं विल प्लस वी वन, तो इसीलिए ये सिंपल फ्यूचर हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल सी विल डू इट, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं विल प्लस वी वन। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो शैल और विल एक ही वर्ड है, सो आई वांट टू से दैट डोंट बी कंफ्यूज्ड, यू कैन ऑल्सो यूज शैल इंस्टेड ऑफ विल। आप विल के जगह आप शैल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ब्रांच हो गया फ्यूचर टेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पर भी अगर हमें शैल विल प्लस बी प्लस वी फोर दिखाई दे तो हमें समझना होगा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जैसा कि यू विल बी रीडिंग, हम यहाँ पर देख सकते हैं विल प्लस बी प्लस वी फोर, तो इसलिए ये हुआ हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और दूसरा है हमारा सी विल बी राइटिंग, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं विल प्लस बी प्लस वी फोर, तो इसलिए ये भी हमें कहना पड़ेगा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस जहाँ भी अगर शैल विल प्लस हैव प्लस वी थ्री दिखाई दे तो हमें समझना होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे यू, चलो फिर हम यहाँ शैल का इस्तेमाल करते हैं, यू शैल हैव लर्निंग, यहाँ पर हम देख सकते हैं शैल प्लस हैव प्लस लॉन्ड करना पड़ेगा, लॉन्ड यू शैल हैव लॉन्ड, यहाँ पर हम देख सकते हैं शैल प्लस हैव प्लस वी थ्री, तो इसीलिए ये हुआ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और दूसरा एग्जांपल दे विल हैव डिस्ट्रॉयड हमारा वी थ्री, यहाँ पर हम देख सकते हैं विल प्लस हैव प्लस वी थ्री, तो इसीलिए हमें ये कहना पड़ेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है। और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पर हमें कहीं भी अगर हमें शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वी फोर दिखाई दे तो हमें समझना होगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसा कि एग्जांपल हमें देना पड़ेगा कि He will have been, he will have been watching movie, यहाँ पर हम देख सकते हैं will plus have been plus V4, तो इसीलिए हमें कहना पड़ेगा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया She will have been calling me, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं will plus have been plus calling, तो इसलिए ये भी हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।